1930 में सिनेमा में सिर्फ एक अभिनेत्री का सिक्का चलता था, विदेशी मूल की भारतीय अभिनेत्री जो मेगा स्टार से कम नहीं थी। नाम तो था रूबी मायर्स, पर सिनेमा घरों में सुलोचना के नाम से फेमस हुई। ये अभिनेत्री एकमात्र विदेशी भारतीय अभिनेत्री हैं जिसे 1973 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहली अभिनेत्री हैं जिसकी काम करने की फीस 5,000 रुपये थी। यही वो अभिनेत्री हैं जो साइलेंट फिल्मों में सेक्सी सिंबल के साथ मशहूर हुई थी। रूबी वो अकेली अभिनेत्री हैं जो साइलेंट फिल्मों में भी चमकी और टॉकीज फिल्मों में भी नाम कमाया। बजाय इसके साइलेंट फिल्मों के जमाने में भी वो हिंदुस्तानी भाषा समझ नहीं पाती थी, पर बोलपट आने के बाद रूबी कुछ सालों तक गायब हुई। फिर जब वापस आई तो हिंदुस्तानी भाषा जुबां पर लेकर आई। तब के कलाकार स्टूडियो में साइकिल से आते थे, पर रूबी शेवरोले कार से आया करती थी। पुणे में एक ज्यूइश परिवार में 1907 को जन्मी रूबी मायर्स का इतिहास आज धुंधला सा दिखता है। 18वें शतक में उनका परिवार इराक से भारत आया था। जब रूबी कुमारिका थी तब एक टेलीफोन बूथ पर काम करती थी। एक दिन कोहिनूर कंपनी के मालिक मोहन भावनानी ने चबी सी भूरे आंखों वाली खूबसूरत रूबी को टेलीफोन बूथ पर देखा और खड़े खड़े उसे कहा, विल यू एक्ट इन मूवीज। ये सुन रूबी खुश तो हुई, पर उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी, इसीलिए कुछ दिन तक बस सोचती रही। 20 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म वीर बाला 1925 में आई और अपने पहले फिल्म से रूबी बन गई लाखों युवाओं की धड़कन। फिर आने वाली सभी फिल्मों में उनके अभिनय का जादू चल गया और मात्र 6 साल में साइलेंट फिल्मों की सबसे महंगी एक्ट्रेस के रूप में चमकने लगी। अब तो उन्होंने अपना नाम रूबी से बदलकर सुलोचना रख लिया। इतना ही नहीं, रूबी ने कम समय में एक्टिंग के सब प्रकार सीख लिए और 1925 से 1931 तक अलग अलग किरदार में दर्शक के सामने आती रहीं। इन 5 सालों में उनकी 6 फिल्में सुपरहिट रहीं। उनमें शामिल है टाइपिस्ट गर्ल, बलिदान, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे, रोमांटिक फिल्मों में माधुरी, अनारकली और इंदिरा भी है। माधुरी फिल्म में उनके डांस का जादू हद पार मचा। वो अब एक प्रसिद्ध महिला बन चुकी थी। मुखपट फिल्मों का सूरज ढल गया और बोलपट फिल्में आ गईं। 1931 के बाद फिल्म जगत ने नया सवेरा जरूर देखा, पर ऐसे एक्टर्स थे जिन्हें डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत आती थी। उन कलाकारों में से रूबी भी थी, पर हार न मानते हुए मात्र 1 साल में हिंदुस्तानी बोली सीखी और 1927 की माधुरी फिल्म एक बार फिर से बोलपट के रूप में प्रदर्शित की गई। इंदिरा बीए, अनारकली, बॉम्बे की बिल्ली, इन बोलपट फिल्मों से रूबी ने अपना स्टारडम बरकरार रखा। पैसा शोहरत तो मिल गया, पर डिनशॉ बिलिमोरिया के रूप में उन्हें अपना जीवन साथी भी मिला, पर उन दोनों की शादी नहीं हुई और कहा जाता है रूबी अंत तक कुंवारी थी। कहते हैं कामयाबी को बरकरार रखना बेहद मुश्किल होता है। 1940 के आते आते रूबी ने एम्पीरियल फिल्म कंपनी का साथ छोड़ दिया और यहाँ से उनके सितारे मुरझाने लग गए। उम्र और समय को देखते हुए उन्होंने कैरेक्टर रोल करना शुरू कर दिया। दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू करने के बाद रूबी ने खूब सारे फिल्मों में काम किया, पर धीरे धीरे उनकी छवि भी कमजोर होने लग गई। उनके शोहरत को भी नज़र लगने लगी। 1940 तक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया था, पर 1940 के बाद ये एक पेशा बन गया। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने 1940 तक फिल्मों से खूब कमाया, पर मिली हुई कामयाबी और पैसे का सही से उपयोग उन्होंने नहीं किया। समय अपने गति से आगे बढ़ता चला गया और रूबी कुछ कलर फिल्मों में नज़र आई। उनमें शामिल है दोस्ताना, जूली, अम्रपाली और खट्टा मीठा। 1973 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो मिल गया, पर 10 अक्टूबर 1983 में रूबी और सुलोचना जी ने दुनिया से विदा ले ली। जीवन के अंत में उनके पास ना पैसा था, ना ही प्रॉपर्टी और ना ही अपने, बस बैंक के कर्जे थे। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी
ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।